हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवरात्रि के लिए स्पेशल बो वाला हेयर क्लिप बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लेस ली है। जो बो हम बनाने वाले हैं वो नवरात्रि के लिए है, तो इसके लिए हमने स्पेशल नवरात्रि के लिए कलरफुल लेस सिलेक्ट की है। अब हम यहाँ पे उस लेस को दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसके बीचों बीच हम सुई धागे के मदद से इसे सिल लेंगे। सीलने के बाद उसी काले धागे से हम बो को बीच में से ब्लैक धागा रोल रोल करके पैक कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे सिल्वर कलर का एक चार्म लगाएं। बो को ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर की दो चेन ली है। यहाँ पे मैंने जो चेन ली है उसमें से एक चेन थोड़ी छोटी है और एक दूसरी चेन थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे हम जो लटकन बनाने वाले हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने रेड कलर के दो पॉम-पॉम बॉल लिए हैं और थोड़े चौड़ी शेल्स लिए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैं सुई धागे से चेन को पॉम-पॉम बॉल में अटैच कर रही हूँ और दूसरे साइड में जो कवरी शेल है उसे एक एक करके एक लटकन में तीन कवरी शेल को अटैच करके ले रही हूँ। कवरी शेल और चेन लगाने के बाद हमारा लटकन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके बीचों बीच एक सर्कल शेप का मिरर ग्लू के हेल्प से चिपका लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा लटकन भी बना के रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें अटैच करने के लिए यहाँ पे जंप रिंग का इस्तेमाल करेंगे। जंप रिंग में हमने जो दो चेन वाली लटकन बनाई है उसे सबसे पहले डालेंगे और बाद में
जो हमारा चांद है जिसमें एक ऑलरेडी लूप है, उसमें हम जंप रिंग को अटैच कर लेंगे। लटकन लगाने के बाद बो के बैक साइड में हम थोड़ा ग्लू लगा के उसमें हम एक सिल्वर कलर का एलिगेटर ग्लू चिपका देंगे और इसे सूखने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देंगे। इसी तरह से हमारा नवरात्रि स्पेशल बो बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।